चलिए गुड मॉर्निंग जी में अब बात कर लेते हैं पंजाब रिपोर्ट की। पंजाब रिपोर्ट के जरिए हम आपको पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का इतिहास और उसके सियासी समीकरण बता रहे हैं। पंजाब रिपोर्ट में आज बात डेरा बस्सी विधानसभा की। पंजाब रिपोर्ट में आज आपको डेरा बस्सी हलके की खास रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको हलके के मौजूदा विधायक के दावे से रूबरू करवाएंगे, साथ ही विपक्ष के आरोपों की भी बात करेंगे। इसके अलावा जनता की अपने अगले उम्मीदवार से क्या उम्मीदें हैं ये जानते हैं। डेरा बस्सी चंडीगढ़ पंचकुला के नजदीक एक ऐसा हलका जिसका तेजी से शहरीकरण हो रहा है, पर शहरीकरण की दौड़ में विकास कितना हो रहा है, कितना हुआ है, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इसी की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। पहले डेरा बस्सी की सियासी तस्वीर जानते हैं। यहां से श्रोमणी अकाली दल के एनके शर्मा मौजूदा विधायक हैं। एनके शर्मा ने आजाद उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह टिल्लो को हराया था। एनके शर्मा ने दीपेंद्र सिंह टिल्लो को 12,037 वोटों से हराया। हल्के में हमें विकास की मिली जुली तस्वीर नजर आई। कई जगह पर हमें अच्छी हालत में सड़कें नजर आई, पर कई जगह सड़कों के बुरे हाल भी दिखे। हमें कुछ लोग उन खराब सड़कों से परेशान नजर आए। बेसिक दिक्कत सानू अजकल मेन ज़्यादा समस्या आ रही है कि रोडां दी, जो इत्थे लिंक रोड बने हुए हैं, बहुत सारे रोड इहो जिहे ने जिथों इत्थों लालड़ू तो हंडेसरा चले जाइए, लालड़ू तो आपां बनोड चले जाइए, इन्नी सड़कां दी माड़ी हालत है कि कई वारी तां कई बंदियां नूं अपनी जान गवानी पैंदी है। सड़कां दा देखो रहे तुसीं, बुरा हाल है सड़कां दा। और ते कदी तुसीं गए नहीं लैके शिकायत करन नहीं कीती? बस कैद सकूत कई फेरी कहा भाई, सर मैंने कहा कर देंगे जी कर देंगे, कोई नहीं पुछदा। नहीं सरकार तां ठीक है भी, मतलब फिर भी जिन्ना करना तां उन्ना करिया नहीं इन्हां ने, समझा। ये अपने अपने बंदियां नूं करदे, अद्धे मकानां दे पैसे आ गए, अद्धियां दे आए कोई नहीं, ठीक है नहीं। हाँ गल ना करते, सड़क से बुरा हाल है जी, सड़क बहुत गंदियां हुई है जी। बाकी स्कूल नू बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ठीक पढ़ रहे। सड़कों के साथ ही एक समस्या यहाँ बस अड्डे की भी है। यहाँ कोई बस अड्डा नहीं है, लोगों को सड़क के किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। लंबे रूट की बसें यहाँ नहीं रुकती, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हुण ते दो तीन दिनों की गल है कि अंबाले कैंट तो जिन्नियां भी काल कालिया बसा आदियां ने, उहदे च उन्होंने वर्बली ऑर्डर देता कि पंजाब का स्टॉपेज बंद कर दो, खास करके लालड़ू का। और होर इत्थे लोकल बस कोई आउंदी नहीं, तो इन्हां बसों का सानू हरियाणे की भी मार आ, पंजाब की भी मार आ। बाकी पब्लिकली थोड़ा बहुत कम जिहड़ा होया वो होया, लेकिन ओवरऑल कोई मतलब। कांग्रेस का कहना है कि हल्के में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का स्तर बेहद नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। इसके हलके की कोई तरक्की नहीं है। इस हलके के अंदर 28 साल हो गए, यहाँ से दशमेश नहर वास्ते जमीन एक्वायर हुई थी और वो आज तक नहीं, किसी ने नाम भी नहीं लिया, और पंजाब सरकार ने कभी भी इस इलाके बारे नहीं सोचा भी यहाँ भी पानी देना है। हूँ रौला बथेरा पावा, हरियाणे नूं नहीं जान देना, एक बूंद नहीं जान देनी, लेकिन इस इलाके के हिस्से का पानी कितने गया पंजाब के पास, यहाँ क्यों नहीं देते पानी। उधर मौजूदा विधायक एनके शर्मा ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास करवाया है। हाँ उन्होंने माना कि बस अड्डा ना होने से समस्या है, पर बस अड्डे का सारा प्लान बन चुका है, जल्दी उसे शक्ल दे दी जाएगी। डेरा बस्सी हल्के की डिवेलपमेंट वास्ते मैं कह सकदा कि बादल साहब ने कोई किसी तरह की कमी नहीं छड़ी, कोई कम नहीं। एक्चुअली जिहड़ी अपोजिशन उहदे कोल कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल थोड़ी गल ठीक है, बस स्टैंड की प्रॉब्लम है, शहर चैक्से प्लैन सब कुछ फाइनल हो गए, असी तोड़ के जिहड़ा म्यूनसीपल काउंसिल का दफ्तर आ उन्हों भी तोड़ रहे हैं, तो जिन्ना बस स्टैंड ऑलरेडी बनया हुआ, बस स्टैंड डेरा बस्सी च बड़ा पुराना 40 साल पुराना, उन्होंने सारे डिसमेंटल करके वधिया मॉडर्न ढंग नाल इत्थे बस स्टैंड आ जिहड़ा वो बना रहे हैं, जिहदे नक्शे भी तैयार हो गए, प्लैनस भी तैयार हो गए और हुण टेंडरिंग स्टेज ते है। तेज रफ्तार से शहरीकरण के साथ साथ डेरा बस्सी में आबादी भी बढ़ी है।
पर विकास की रफ्तार कैसी है, क्या यहाँ के बाशिंदे उस रफ्तार से खुश है, इसका फैसला आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजे कर देंगे। इस विधानसभा हलके के शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत विकास दिखता है, लेकिन इस हलके में पड़ते गांवों को आज भी विकास का इंतजार है। कैमरा पर्सन अश्विनी मिन्हास के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, डेरा बसी।